अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास कह रहा है कि प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इन मेनी वेज। प्रोटीन्स को हम डिफरेंट तरीक़ों से क्लासिफाई करते हैं। एक तो हम प्रोटीन्स को स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफाई करते हैं और फंक्शन के बेस पे भी हम क्लासिफाई करते हैं प्रोटीन को। बट यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन की क्लासिफिकेशन, वो प्रोटीन की जो क्लासिफिकेशन है वो शेप के बेस के ऊपर है, मतलब कि कौन सी शेप वाले प्रोटीन है। तो उस शेप के बेस पे हम प्रोटीन्स को क्लासिफाई करते हैं कितने ग्रुप्स के अंदर, दो ग्रुप्स के अंदर। एक होते हैं फाइब्रस प्रोटीन, दूसरे होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। मतलब कि प्रोटीन्स को हम डिफरेंट तरीक़ों से क्लासिफाई कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के बेस पे भी करते हैं, फंक्शन के बेस पे भी करते हैं, पर आज हम शेप के बेस पे जो प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन होती है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो शेप के बेस पे हम प्रोटीन को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एक होते हैं फाइब्रस प्रोटीन, दूसरे होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। अब देखिए, हमारे पास जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं ना, सही है, ये हमारे पास क्या होते हैं, इनकी जो शेप होती है ना वो लॉन्ग फाइबर्स वाली शेप होती है, मतलब लंबे जैसे फाइबर्स होते हैं ना, सही है, बिल्कुल वैसी शेप होती है सबकी। ग्लोबुलर जो प्रोटीन होते हैं इनकी जो शेप होती है वो स्पेरिकल होती है, गोल स्पेरिकल टाइप शेप होती है। तो ये इनका फ़र्क होता है इनकी शेप में। तो इसी शेप के बेस पे ये हमारे पास दो ग्रुप्स हैं। अब फाइबर्स प्रोटीन जो होते हैं हमारे पास, ये कह रहा है कि लॉन्ग फाइबर्स होते हैं प्रोटीन के। उसके बाद कह रहा है कि इनके अंदर क्या होता है कि सेकेंडरी प्रोटीन चेन्स होती हैं, सही है, जो कि इंटरट्विन होती हैं विथ ईच अदर। अब देखिए, हमारे पास सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारे पास ये सेकेंडरी प्रोटीन चेन्स क्या होती हैं, ये या फिर डिफरेंट जो स्ट्रक्चर होती है ना प्रोटीन की, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तभी हमें दूसरी चीज़ें इस हवाले से समझ में आएंगी। तो थोड़ी जल्दी से हम वो समझ लेते हैं। अब देखिए, हमारे पास जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है ना प्रोटीन की, वो क्या होती है, जो हमारे पास अमाइनो एसिड की एक लीनियर सीक्वेंस वाला जो होती है ना, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर वाले जो प्रोटीन होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि अमाइनो एसिड्स की लीनियर सीक्वेंस होती है, बिल्कुल वो एक स्ट्रेट चेन के अंदर होते हैं, तो उस सीक्वेंस को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। जितने भी हमारे पास प्रोटीन होते हैं, जैसे उनकी फॉर्मेशन होती है, वो सारे प्राइमरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनते हैं। तो उसके बाद उनकी जो शेप होती है, सही है, वो डिफरेंट फॉर्म्स इख्तियार करती है। तो उसके बाद हमारे पास है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है उस वो प्रोटीन की, उसमें क्या होता है कि हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है बिल्कुल कि कौन सी शेप हो, बिल्कुल हेलिकल शेप हो, जिस तरीके से ये हेलिक्स वाली शेप होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, या फिर हमारे पास वो प्लेट्स के फॉर्म में होती है, मतलब कि बिल्कुल एक शीट्स होती हैं, सही है, बिल्कुल इस तरीके से प्लेट्स होती हैं। तो या ये वाली शेप होती है हमारे पास सेकेंडरी, या फिर हमारे पास बिल्कुल हेलिकल शेप होती है। अब जब हमारे पास जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमारे पास क्या आती है, फोल्डिंग आती है। ये फर्दर हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, जो बिल्कुल हेलिकल शेप है, सही है, जब ये फर्दर फोल्ड होती है तो हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाती है। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग होती है उसमें, तो उसके नतीजे में टर्शियरी स्ट्रक्चर बनती है। जब दो हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर वाली पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में मिलती हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर होती है ना उसको हम कहते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इस तरीके से हमारे पास जो लीनियर सीक्वेंस वाली होती है वो होती है प्राइमरी, प्राइमरी में जब हमारे पास वो हेलिक्स वाले फॉर्म में आ जाए तो वो सेकेंडरी होती है हेलिकल, और जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो हेलिक्स होता है उसके अंदर फोल्डिंग होती है टर्शियरी स्ट्रक्चर बनती है, और जब दो टर्शियरी स्ट्रक्चर वाली पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलती हैं तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनती है। तो ये प्रोटीन्स की क्या होती हैं, स्ट्रक्चर्स होती हैं। उसके बाद हमें कह रहा है कि हमारे पास जो ये वाले होते हैं फाइब्रस प्रोटीन, इनके अंदर क्या होता है, सेकेंडरी प्रोटीन की चेन्स होती हैं, सही है, जो कि एक दूसरे के साथ इंटरट्विन होती हैं। इंटरट्विन का मतलब होता है एक दूसरे के अराउंड वो क्या होती हैं, ट्विस्टेड होती हैं। मतलब वो चेन्स कौन सी होती हैं, सेकेंडरी होती है। सेकेंडरी का मतलब क्या हुआ कि वो बिल्कुल हेलिकल वाले फॉर्म में होती हैं, सही है। तो वो जो हेलिकल हमारे पास फॉर्म में होती है प्रोटीन की जो चेन्स, वो एक दूसरे के अराउंड क्या होती हैं, इंटरट्विन होती हैं, मतलब कि एक दूसरे के अराउंड ट्विस्टेड होती हैं, सही है। तो इस तरीके से बिल्कुल शेप होती है, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे एक ये फाइब्रस प्रोटीन है, बिल्कुल इस तरीके से ये हमारे पास जो चेन्स है ना सेकेंडरी प्रोटीन की चेन्स, या एक दूसरे के अराउंड ट्विस्टेड है, इंटरट्विन है। उसके बाद हमें कह रहा है कि दे कंसिस्ट ऑफ मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन द फॉर्म ऑफ फिब्रिल्स। कह रहा है कि इनके अंदर हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है ना, वो किस फॉर्म में अरेंज होती हैं, वो फिब्रिल्स के फाइबर्स के फॉर्म में अरेंज होती हैं। और ये प्रोटीन्स जो होते हैं वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, मतलब कि इनकी कोई क्रिस्टलाइन शेप नहीं होती। नेचर के अंदर इलास्टिक होते हैं बिल्कुल, मतलब कि नेचर इनकी क्या होती है, इलास्टिक होती है, इनमें इलास्टिसिटी होती है। और इनका जो मेन काम होता है वो होता है स्ट्रक्चरल रोल। स्ट्रक्चरल रोल का मतलब क्या होता है कि ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, इनका कोई फंक्शनल रोल नहीं होता, इनका स्ट्रक्चरल रोल होता है सेल्स और ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब एग्जांपल है हमारे पास सिल्क होती है, सही है, वो भी क्या है, फाइब्रस प्रोटीन है। स्पाइडर वेब, मतलब जो स्पाइडर होता है वो जो जाली बनाता है ना,
वो भी हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन है। मायोसिन मसल्स, मसल्स के अंदर एक प्रोटीन होते हैं जिनको हम कहते हैं मायोसिन, तो वो जो मायोसिन प्रोटीन्स होते हैं ना, ये फाइब्रस प्रोटीन है। फाइबर्स इन क्लोथिंग, जो फाइबर्स होते हैं, क्लोथिंग होती है कप वगैरह, तो वो भी हमारे पास क्या है, फाइबर्स प्रोटीन है। नेल्स के और हेयर्स के अंदर एक प्रोटीन होता है इंपॉर्टेंट, केराटिन, वो भी क्या होता है, फाइबर्स प्रोटीन होता है। उसके बाद हमारे पास जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, सही है, इनकी स्फेरिकल या एलिप्सॉइडल शेप होती है। एलिप्सॉइडल का मतलब क्या होता है, एक स्फेरिकल गोल और थोड़ा इस तरीके से जो शेप होती है ना, उसको हम कहते हैं एलिप्सॉइडल। तो इनकी ये स्फेरिकल शेप क्यों होती है, ड्यू टू थ्री डायमेंशनल फोल्ड ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन। इनके अंदर क्या होता है, सेकेंडरी प्रोटीन का थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग होती है, मतलब ग्लोबुलर जितने भी प्रोटीन होते हैं इनके अंदर सेकेंडरी जो हमारे पास प्रोटीन की जो चेन्स होती हैं उनका थ्री डायमेंशनल फोल्ड होता है। मतलब वो सेकेंडरी का मतलब होता है वो हेलिकल, तो वो हेलिकल क्या होंगी, तीन डायमेंशंस के अंदर फोल्ड होंगी, मतलब कुछ इस तरीके से शेप होगी पूरी, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो जब हमारे पास हमने पढ़ा था कि जो सेकेंडरी हमारे पास प्रोटीन की थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग होती है, सही, तो उसके नतीजे में टर्शरी स्ट्रक्चर बनती है। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे पास टर्शरी होते हैं या फिर क्वार्टनरी होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब कि इनकी स्ट्रक्चर या टर्शरी होती है या क्वार्टनरी होती है। सीधी सी बात है कि इनके अंदर यही बोल रहा है ना कि हमारे पास जो सेकेंडरी प्रोटीन होती है, सही है, उसकी थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग होती है। तो जब सेकेंडरी प्रोटीन की चेन्स की थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग होगी तो उसके नतीजे में जो प्रोटीन होंगे वो कौन से होंगे, या टर्शरी होंगे या क्वार्टनरी होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। उसके बाद कह रहा है ये हमारे पास सॉल्युबल होते हैं साल्ट के अंदर, एसिड या बेस के अंदर, कंटेनिंग एक्वस मीडियम आर अल्कोहल, मतलब कि हमारे पास ये एसिड बेस या साल्ट के अंदर सॉल्युबल होते हैं अगर वो एक्वस मीडियम या अल्कोहल में। दे कैन बी क्रिस्टलाइज, इनको हम क्रिस्टलाइज कह सकते हैं, मतलब कि इनको हम ज्योमेट्रिक इनकी शेप वाले क्रिस्टल के अंदर इनको ला सकते हैं। ये प्रोटीन वर्क करते हैं एंजाइम्स के तौर पे, एंटीबॉडीज़ के तौर पे, हार्मोन्स के तौर पे और हेमोग्लोबिन के तौर पे। तो ये हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन होते हैं, सही है, मतलब कि ये हमारे पास एंजाइम्स के तौर पे काम करते हैं, मतलब रिएक्शंस को कैटलाइज करने का काम करते हैं। एंटीबॉडीज़ के तौर पे काम करते हैं, एंटीबॉडीज़ जब भी कोई बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट बनने वाले प्रोटीन्स होते हैं, तो उसके तौर पर भी काम करते हैं। हारमोन्स के तौर पर एक्ट करते हैं, हारमोन क्या होते हैं, केमिकल मैसेजर्स होते हैं जो कि हमारे पास डिफरेंट बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं हारमोन्स, तो उनके तौर पर भी ये प्रोटीन्स एक्ट करते हैं। तो हारमोन्स जो होते हैं वो नेचर में स्टीरॉइड होते हैं और दूसरी नेचर में भी होते हैं, पर वो कुछ हार्मोन हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं। तो कौन से प्रोटीन होते हैं, ग्लोबुलर हेमोग्लोबिन, जो कि हमारे पास एक पिगमेंट होती है आरबीसीज के अंदर, जो कि हमारे पास ऑक्सीजन को कैरी करती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, तो वो भी हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो ये हमारे पास फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन थे। फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो शेप का है, उसके अलावा भी बाकी सारे डिफरेंस हमने डिस्कस किए। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, थैंक यू वेरी मच।